हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ग्रो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। Page of Fire, Queen of Earth, Seven of Air, and Ten of Fire. So I think Ten of Fire के साथ Aquarius, आपके ऊपर बहुत सारी responsibilities हैं और इन सबको हैंडल करना इस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन हर चीज की उम्मीद आपसे कर रहा है एंड शायद ये सारी चीजें इस वीक में आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देंगी। आपको ये लगेगा कि क्या ये सब आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सेवन ऑफ एयर के साथ कहीं ना कहीं आप टायर्ड नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको डबल थॉट्स आ सकते हैं, यानी कि एक बार आपको लगेगा कि शायद आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए क्योंकि आप बहुत समय से हैं और शायद ये रिलेशनशिप आप एक कमिटमेंट में बदलने वाला है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इनके साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जहां दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ अर्थ हैं। इस पर्सन को पता है कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यू पता है, उन्हें पता है कि अगर आप जैसा कोई ना हो तो उनके लिए इतने कॉम्प्रोमाइजेस कोई नहीं करेगा, उनके लिए इतने सेक्रीफाइसेस और चेंजेस कोई नहीं करेगा, उन्हें इस तरह से अटेंशन कोई नहीं देगा। तो यहां पर सेवन ऑफ एयर के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि आखिर क्यों आपकी ही तरफ से सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं और ये पर्सन आपकी बात को कभी भी समझते क्यों नहीं। आई थिंक ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइजेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, क्योंकि आज तक आप करते आए हैं। और इसके अलावा उन्हें लगता है कि आप चूंकि एक बहुत इमोशनल इंसान है और आपका दिल बड़ा है, तो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। शायद इसीलिए ये पर्सन आपको पुश करते हैं कि आप ही अपने अंदर चेंजेस ले आए, एक्सक्यूज मी। और यहां पर ये चीज आपको बहुत परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद अब आपको इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। ये पर्सन आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है एंड पेज ऑफ फायर के साथ आपकी लॉयल्टी आपको इनके अलावा कुछ और सोचने नहीं दे रही। इस पर्सन को भी पता है कि आप लॉयल हैं, उन्हें पता है कि आप और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे या और कहीं जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सो
वो चाहे तो आपसे अपनी बातें बनवा सकते हैं या अपने जिद पर अड़े रह सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे एक्वेरियस, क्योंकि टेन ऑफ फायर के साथ बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन ने आपको अकेले छोड़ दिया है हर चीज को फिगर आउट करने के लिए और हर चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, हर चीज का सॉल्यूशन खोजने के लिए आप अकेले खड़े हैं और इस रिलेशनशिप के लिए जैसे आप अकेले लड़ रहे हो। ओके, हो सकता है कि ये कोई फायर साइन हो। हमारे पास यहाँ बहुत सारे वॉन्ड्स हैं और पेज ऑफ फायर भी है। हालांकि साइन कोई भी हो सकता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ वॉटर, कॉल, क्वीन ऑफ फायर, टेन ऑफ एयर। सो आपको टेन ऑफ फायर से क्वीन ऑफ फायर बनने की जरूरत है। एक्वेरियस, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपनी पावर को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए। आप एक्चुअली में क्वीन ऑफ फायर है। आपके पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आपके पास सेल्फ एस्टीम की कोई कमी नहीं है। पर फिलहाल आप अपने आप को वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसे आप हैं। एंड एक बार आप क्वीन ऑफ फायर बनेंगे तो ये पर्सन टेन ऑफ एयर से डील करेगा। यानी टेन ऑफ एयर का मतलब है कि इस पर्सन को ये रियलाइज होगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज होगा कि वो सब कुछ आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। और आई थिंक यहाँ पर कार्ड है कॉल का, इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज लाने की जरूरत है। इस रूटीन को चेंज होना चाहिए। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप को तोड़ दें या ब्रेकअप कर लें, नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि आपको जिस स्पेस की जरूरत है आपको वो स्पेस लेना चाहिए। शायद ये एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है इस वक्त, क्योंकि सेवन ऑफ एयर के साथ ये चीजें आपको बहुत परेशान कर रही हैं और टेन ऑफ फायर के साथ आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया है। तो ये ब्रेक लेना शायद आपके लिए जरूरी है। और ब्रेक लेने का मतलब यह है कि आप खुद पर ध्यान दें, अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, क्वीन ऑफ फायर बने जो आप एक्चुअली में हैं। आपके अंदर कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पर अपने ऊपर फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। यहाँ किंग ऑफ वाटर है। किंग ऑफ वाटर के साथ कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक अच्छा साइड भी है जो फिलहाल आप नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आइडिया डेफिनेटली है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो चीजों को यू नो इजीली लेता है, या फिर आप कहें कि जिसे किसी चीज की परवाह नहीं है या सीरियस नहीं है। नहीं, ये पर्सन सीरियस है। बट आई थिंक उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक आप हैं उन्हें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी चीज के बारे में सीरियस होने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। यहां पर शायद आपको एक मौका देने की जरूरत है इस पर्सन को अपने आप को प्रूफ करने की या हैंडल करने के लिए। ओके, आप देखेंगे कि टेन ऑफ एयर यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चेंजेस लाएगा। तो पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास तो डेफिनेटली होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वॉट
वाइल्ड पॉइंट्स, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं और आपको यहाँ पर अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है, या आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी तूफान से गुजर रहे हो। बहुत स्ट्रांग विंड है यहाँ पर और अपने आप को खड़ा रखना भी एक चैलेंज है यहाँ पर। तो ये चीज आप थाम सकते हैं, आप क्वीन ऑफ फायर बन सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। जब आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे तो अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग सितंबर के थर्ड वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।